हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। I'm excited. मौसम साफ है, आप दोनों यहाँ से स्काई डाइविंग के लिए कूद सकते हैं। Enjoy your dive, sir. Hello, hello, hello. I can hear you. Yeah, I can hear you. ये क्या हो गया इसे? अरे अरे ऊपर से गिरा ये, और लगता है कि बचना इसका मुश्किल है। ए, ए, मैडम जी, ये आपके साथ है क्या? सोनाली तो मैं हूँ। सोनाली, मैंने ही आपको कॉल किया था।
और सर ये आलोक की वाइफ है पायल। क्या ये हुआ कैसे ये सब? सर मैं और आलोक स्काई डाइविंग कर रहे थे और फिर आलोक मुझे इस हालत में मिला। चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसने अपना पैराशूट भी नहीं खोला। सर किसी ने पीठ पे गोली मारी है। आलोक को पीठ पर गोली मारी है। क्या गोली? सर ऐसा कैसे हो सकता है? जंप करने के बाद आलोक मुझसे बात कर रहा था। सर आपका मतलब आप दोनों जब हवा में थे तब? हाँ सर, हम लोग बात कर रहे थे और फिर अचानक आलोक बहुत जोर से चीखा और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। अच्छा ये हेलमेट पे जो कैमरा लगा है इसे रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? हाँ सर। तो दिखाई? तो मेरी और आलोक की रिकॉर्डिंग है सर। सोनाली मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो, हम 5000 फीट पर हैं। हवा में जंप करने के करीब 15 सेकंड के बाद ये आलोक चीखा था। मतलब हवा में किसी ने गोली चलाई उस पे, इसकी वजह से पैराशूट नहीं खोल पाया होगा। आप लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? साहब मैं तो अपने काम से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वो आदमी ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ साहब, हम लोग भागकर उसे देखने पहुंचे, तब तक पीछे से मैडम चली आई। आप दोनों कहाँ रहते? यही सर, सामने वाले गांव में। जब आप लोग यहाँ पर आए आपने किसी को देखा यहाँ पे? साहब कोई नहीं था, हम ही लोग सबसे पहले आए उनकी आवाज सुनकर। तो गोली इसे मारी कहाँ से गई होगी? सर गोली तो जमीन से ही मारी होगी सर। अरे यार पीठ पे गोली लगी है, जमीन से कैसे मार दी होगी? सर ऊपर हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने नीचे से गोली मारी होगी। नहीं फ्रेडी, नीचे से इतना ऊपर गोली चलाना नामुमकिन है। हो सकता है ऊपर से ही किसी ने, ऊपर तो ये दोनों थे या फिर प्लेन था। नहीं, प्लेन से गोली चली है क्या? पाउडर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हड्डियों में कुछ काला है। क्या राजवर सोया नहीं क्या है? नहीं पाउडर बन जाना चाहिए, हड्डियों में काला है। अबे दाल में काला होता है। मालूम है दाल में काला होता है, लेकिन यहाँ हड्डियों में काला है। देखो देखो जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? अरे मतलब यार जितनी ऊंचाई से गिरा है इस हिसाब से तो उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने चाहिए थे ना, चूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहां देखो मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद मामूली सा फ्रैक्चर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक, जिस हिसाब से इसके शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटें आई हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये बहुत ऊंचाई से गिरा है। लेकिन हड्डियां कुछ और ही कहानी कह रही। देखो असलियत क्या है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल तो। सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता चला है कि उस वक्त उस एरिया में एक ही प्लेन था जिसमें आलोक और सोनाली थे, दूसरा कोई प्लेन नहीं था। सोनाली ने हमें बताया कि उन्होंने जंप लगाई थी 15,000 फीट की ऊंचाई से। आलोक ने पहले जंप मारी और सोनाली ने उसके बाद में। और 1,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद सोनाली ने आलोक की चीख सुनी। एग्जैक्टली दया, 1,000 फीट पर तो आलोक का पैराशूट खुलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं खुला। सोनाली ने अपना पैराशूट 5,000 फीट की ऊंचाई पर खोला था। बस आलोक को
पीछे से गोली मारी गई। गोली उसकी पीठ में जाकर के घुसी और गोली ऊंचाई से मारी गई। इसका मतलब आलोक से गोली मारने वाला ऊंचाई पर रहा होगा और ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल? क्यों सालूंगे साहब? देखो, इतनी ऊंचाई पर हवा का इतना जबरदस्त प्रेशर, टारगेट भी आपका बराबर हिल रहा है, और ऐसे में कोई इतना सटीक, इतना परफेक्ट निशाना लगा ले, आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल। सर, ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रोफेशनल हो, निशाना लगाने में माहिर हो। सकता है, हो सकता है कि खूनी ने जब आलोक लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था तब ऊपर से गोली चलाई, और शायद उसी की वजह से आलोक अपना पैराशूट खोल नहीं पाया। गड़बड़ है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, हमें नहीं पता कि जंप करने के बाद क्या हुआ था। देखिए, आलोक पे किसी ने पीछे से गोली मारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि गोली चलाने वाला आपके प्लेन में ही मौजूद था। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कॉकपिट के बाहर ही नहीं निकला। और आप? सर, मैं थोड़ी देर के लिए कॉकपिट के बाहर गया था, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया था। और आलोक पर हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। आप दोनों के अलावा प्लेन में कोई और भी था? हाँ, स्काई डाइविंग टीम का एक आदमी था, रवि। रवि कहाँ है रवि? सर, वो आज नहीं आया। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? यस सर। फ्रेडी पंकज, एड्रेस ले लो और रवि को लेके आओ। तब तक हम लोग जरा ये प्लेन चेक करते हैं, कहाँ पे है? इस तरफ आइए सर। ये सर। पैराशूट? यानी कोई था स्काई डाइविंग के लिए जो कूदा नहीं? पैराशूट किसके लिए रखा था? ये आलोक जी की वाइफ पायल के लिए था। वो भी स्काई डाइविंग के लिए आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया ये नहीं पता। इसके बारे में तो पायल ने हम लोगों से कुछ बताया नहीं। छुपा रही है ये पायल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब भी निकलो, तुरंत। आऊंगी मैं और 1000 बार आऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग लड़ना बंद करोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, क्या ये आलोक का घर है? जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से, आलोक की पत्नी से बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। बुलाइए उन्हें। जी, ये आलोक की पहली पत्नी, एक्स वाइफ, रीमा नाम है इनका। ओह, मतलब पायल दूसरी पत्नी है। पायल जी यहीं रहती है? जी, यहाँ सिर्फ पायल रहती है, ये नहीं। और पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है, इसे तो किसी ने बुलाया तक नहीं। बुलाया? ये घर आज भी मेरा है, इस घर की चाबियां मेरे पास भी हैं। मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई के मरने के बाद तुम यहाँ हक जताने आई हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। एक मिनट, आप कौन है? मैं बताती हूँ, ये आलोक का बिजनेस पार्टनर शेखर है, और तुम इस वक्त इस घर में क्या कर रहे हो उसकी बहन के साथ? रीमा जा, शट अप, क्या बकवास कर रही है यार तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, समझे? और सर, मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही कहीं आलोक को रास्ते से तो नहीं हटा दिया। हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़ने की? हाँ, अरे नहीं छोड़ सकती हो मुझे। ओह माय गॉड, पायल भाभी ऊपर है। पायल ऊपर है? पायल? सर जिंदा है, हाथ में गोली लगी। जल्दी से एम्बुलेंस बुला, ये खूनी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये
इधर तो कोई भी नहीं है। तुम पर गोली किसने चलाई? कौन था वो? पता नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। पायल भाभी, I don't know. सा लगता है निकल गया सा। सर यहाँ पे जूतों के निशान है, ये खिड़की से आया, गोली मारी और निकल गया। हाँ, पहले उसने आलोक को मार डाला और अब उसकी पत्नी को मारना चाहता है ये। पायल, तुम आलोक के साथ उस प्लेन में जाने वाली थी ना, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम उस प्लेन में नहीं गई? प्लेन में जाने से पहले मेरा और आलोक का झगड़ा हो गया और मैं उससे इतनी नाराज हो गई कि मैं प्लेन में नहीं गई। सर, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry, आलोक। I'm sorry. देखो पायल, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमारी ये ऑफिसर पूर्वी तुम्हारे साथ कायम रहेगी। ये देखिए, दूसरी गोली मिस होकर यह दीवार पे लगी है। अब पता चलेगा ये गोली किसकी बंदूक से चली है। हेलो तारिका जी। हेलो। हो गया? हाँ। हेलो। अरे मैं आपको भी हेलो बोलने वाला था, आप दिखे नहीं। अच्छा अच्छा। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इसे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए बनाया गया पैराशूट है, ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए। ये देखो। इसलिए सर, अगर ये पैराशूट खुल भी जाता ना, तो भी आलोक बचता नहीं। तो फिर आलोक ने ऐसा पैराशूट पहना ही क्यों और डाइव क्यों मारी? मतलब सर, अगर आलोक गोली से नहीं मरता तो नीचे गिर के मर जाता। किसी ने आलोक का पैराशूट बदल दिया। अगर उसे गोली से ही मारना था तो पैराशूट क्यों बदला? क्या कोई और भी था उस प्लेन में? एक बात और बस, आलोक जिस गोली से मारा गया है वो गोली और पायल को जो गोली लगी है वो गोली, दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई है। क्या? तो आलोक का खूनी और पायल पे हमला करने वाला कोई एक ही आदमी है सर? वैसे आलोक और पायल की मौत से फायदा किसको हो सकता है? कौन हो सकता है खूनी? सर, आलोक की एक्स वाइफ रीमा प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर सकती है, और उसकी बहन मीरा, शेखर और मीरा का अफेयर भी है। हाँ सर, ये दोनों ही आलोक को मारना चाहते हैं। मीरा, शेखर, रीमा, हाँ, इन तीनों में से भी किसी ने गोली चलाई होगी। और तो और, रवि भी तो था प्लेन में, और फिर पायल को किसी आदमी ने ही मारा है, तो हो सकता है ये रवि ही हो। सर, रवि अपने घर पे नहीं है, उसकी वाइफ भी गायब है। और सर, पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रवि का गांव मुंबई से दूर सतनवाड़ी में। ये रवि जहां भी हो, पता लगाओ उसका, वही हमें बता सकता है कि उस प्लेन में क्या हुआ था। ये रवि का घर, बस घर पे मिल जाए वो।
जी हम लोग सीआईडी से, आपको ने और अब रवि कहाँ है? जी मैं उनकी पत्नी हूँ। रवि यहाँ पर भी नहीं है, मुंबई से मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। कहाँ जा कहाँ सकता है वो? मुझे पता था वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। एक औरत हो तो बताओ, कई औरतों के साथ उसके चक्कर थे, भाग गया होगा उन्हीं किसी के साथ। लेकिन वो कह रहा था बहुत जल्द उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। अच्छा, तो कब आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? मुंबई में 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? कल तो वो प्लेन में ड्यूटी कर रहा था, घर वापस नहीं आया? ड्यूटी पे? लेकिन वो ड्यूटी पे कैसे जा सकता है? उसका सारा स्काई ड्राइविंग का सामान तो घर पे है, और उसके बिना वो कैसे जा सकता है? अगर स्काई ड्राइविंग का सारा सामान घर पे है तो फिर प्लेन में कौन था? प्लेन में रवि था या कोई और? आप लोगों ने बताया था कि प्लेन में रवि था आपके साथ, तो रवि को आपने प्लेन में देखा था? उसका चेहरा देखा था आपने? एक्चुअली सर, उसने हेलमेट पहन के रखा हुआ था। जब आलोक और सोनाली को प्लेन से बाहर कूदना था तो फिर ये रवि प्लेन के अंदर हेलमेट पहन के क्यों बैठा था? चेहरा छुपा रहा था। ऐसा तो नहीं जिसे हम लोग रवि समझ रहे हैं वो रवि हो ही ना? मतलब हेलमेट पहने हुए रवि ने कोई और था? हो सकता है। आपने सारे स्टाफ को बुलाइए जरा यहाँ पे। यस सर। उस वक्त रवि की जगह पे कोई दूसरा आदमी था प्लेन में, जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था, और वो आदमी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कौन है वो आदमी? स्काई डाइविंग के बारे में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि आलोक और सोनाली को उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। सर, मैं उस वक्त नीचे था सर। प्लेन में जाने से पहले मैं सभी ड्राइवर्स को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता हूँ बस। ऐसा कोई आदमी है जो अभी यहाँ पर नहीं है, गायब है? ऐसा कोई? हाँ सर, विवेक है, और कल मैंने उसे यहाँ देखा भी था, लेकिन अचानक फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया था। इस वक्त ये विवेक कहाँ हो सकता है? सर, अभी उसे थोड़ी देर पहले मैंने उधर देखा था। बहुत जल्दी में कहाँ जा रहा था? सर मुझे छोड़ दो सर, सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहे थे? ट्रेन में रवि की जगह तुम गए थे ना? सर मुझे रवि का ही कॉल आया था, और उसने कहा था कि उसकी जगह प्लेन में मैं चला जाऊं। अच्छा, और तुमने ये बात किसी को बताई नहीं? सर रवि ने इसके लिए मुझे पैसे दिए थे, पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी उंगली पे क्या हुआ? सर ये फ्रैक्चर हुआ था। अभिजीत, उंगली पे फ्रैक्चर है तो ऊपर निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। अगर कभी वहां नहीं था और इसकी उंगली में फ्रैक्चर है तो फिर आलोक को गोली मारी किसने? हो सकता है ये सोनाली हमसे कुछ छुपा रही हो। सोनाली, उसको बुलाते हैं। सोनाली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने? हाँ सर, मैंने क्या झूठ बोला? तुमने आलोक का खून किया है। नहीं सर, मैंने आलोक का खून नहीं किया। तो मैं आलोक को क्यों मारूंगी? तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसे मारकर मुझे क्या मिल गया? ये ट्रेनिंग पैराशूट है जिसे आलोक ने पहना था। ये फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, किसी ने उसके फ्लाइंग पैराशूट को बदल कर ये ट्रेनिंग पैराशूट रखा।
और नसीब देखो, आपने तो फ्लाइंग पैराशूट पहन लिया और आलोक ये ट्रेनिंग पैराशूट पहनकर नीचे कूदा। वाह, तुमने बदला वो पैराशूट? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चेक किया था, दोनों फ्लाइंग पैराशूट्स थे। सुना लिया, आलोक ने डाइविंग के वक्त फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब उसने पहना था ट्रेनिंग पैराशूट, जिससे डाइव नहीं मारा जाता, समझे? तो क्या हवा में पैराशूट बदल गए? सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती कैसे हुआ। ये भी तो हो सकता है कि आलोक ने फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन उसके अंदर एक गन फिट की गई थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, और उसी गन से आलोक को हवा में मार दिया गया। और जैसे ही लाश नीचे गिरी, किसी ने उस फ्लाइंग पैराशूट को बदल कर ये ट्रेनिंग पैराशूट वहां पे रख दिया, ताकि उस पर फिट की गई वो गन हमारे हाथ में लग सके। एक बात बताओ, ये आलोक की लाश के पास पहले कौन पहुंचा था? हा? कौन पहुंचा था? सर, दो गांव वाले थे, आलोक की लाश देखकर उन्होंने ही शोर मचाया था और फिर मैं वहां पहुंची। दो लोग, दो गांव वाले। सुनो भाई साहब जी, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? नहीं, उनसे पूछिए। अरे भाईजान, इन दोनों को देखा है यहाँ गांव में? कौन है ये साहब? इस गांव के रहने वाले? नहीं साहब, इन दोनों को तो हमने कभी इस गांव में नहीं देखा। हम तो सभी लोगों को जानते गांव के, इन्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। थैंक यू। दोनों इस गांव के नहीं है, मतलब ये दोनों इस पूरी साजिश में शामिल थे। जिसने आलोक का खून किया उसी ने भेजा होगा इनको। है कौन वो? ये आलोक के परिवार में से कोई हो सकता है। पैसे वाला था ये आलोक, किसी न किसी को लालच आ गया होगा, और लालच रिश्ते नहीं देखती। जरा गौर से देखो इन दोनों स्केचेस को और बताओ, क्या आप में से किसी ने इन्हें देखा है? क्या पहचानते हो इन्हें? सर, इन्हें तो कभी देखा भी नहीं। कौन है ये? इन दोनों का हाथ है आलोक की हत्या में। ये लोग खूनी को जानते हैं। कौन है खूनी? है कोई आलोक का रिश्तेदार, कोई करीबी, पड़ोसी, दोस्त। क्या ऑफिसर, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हम सब आलोक की फैमिली हैं और आप हम पर ही इशारा कर रहे हैं। और सर, हम लोग भला आलोक की हत्या क्यों करेंगे? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। मैं और ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब? आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैं यहाँ खड़े रहकर आपको सुनती रहूं बस? आपको अभी जवाब देते हैं, सबूत के साथ। तुम इधर। क्या जानते हो उन दोनों के बारे में? क्या जानते हो इनके बारे में? अरे भाई, जो कुछ जानते हो बता दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? बता दो। मैंने इनको देखा था,
कुछ दिन पहले ही आलोक सर के वो क्या कहते हैं वो पानी के ऊपर जो चलता है वो यॉट जी जी सर यॉट इनको मैंने कुछ दिन पहले आलोक सर की यॉट के पास देखा था। क्या आप में से कोई था उस यॉट पर जिसने इन्हें देखा था? जी नहीं, और पता नहीं ये कब की बात है। साहब ये सब लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी। क्यों मीरा जी? ओ हाँ, अभी जस्ट याद आया, उस दिन एक पार्टी थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ सर, अब उस दिन उस पार्टी में मैं भी था, काफी लोग आए हुए थे और उस पार्टी में ये दो लोग भी आए रहे होंगे तो सर याद रखना थोड़ा मुश्किल। हाँ, इस आलोक की यॉट पर जाके देखना होगा, जरूर इन दोनों के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो ये है आलोक की यॉट, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर इस यॉट में तो कुछ नहीं है। दया, ये मेडिकल रिपोर्ट देखी तो वही बीमारी है जिसमें हड्डियां कड़क हो जाती है, डॉक्टर सालूगर ने बताया था। जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। हेलो डॉक्टर साहब, हमें यहाँ एक मेडिकल फाइल मिली है जिसमें हड्डियों की बीमारी लिखी है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ये वही बीमारी है ना जो आलोक को थी, जिसकी वजह से हड्डियाँ कड़क हो गई थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई थी हड्डियाँ, हैं? हाँ अभिजीत, ये वही बीमारी है। ओके ओके, थैंक यू सर। और इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा था इस खूनी ने। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। आह थैंक यू। Yeah.
फायर नाइट गन हवाई दे दो। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना के भागी थी? मैंने तुम्हें भागने दिया था। हमें पता था कि तुम जरूर भागोगी। हमें सिर्फ तुम्हारा पीछा करना था असली खूनी तक पहुंचने के लिए। इस पूरे साजिश की कुंडली हमारे हाथ लग चुकी है। वो मेडिकल रिपोर्ट रवि की थी। उस फाइल में साफ लिखा था कि रवि को हड्डियों की एक खास किस्म की बीमारी है। और जो लाश हमें मिली थी उस लाश में भी वही बीमारी थी। वो लाश आलोक की नहीं रवि की थी। अगर मरने वाला आलोक नहीं रवि था तो फिर आलोक कहाँ है? यही है। आइए आइए आलोक जी, चेहरा तो दिखाइए। मैंने ही प्लान बनाया था आलोक को मारने का, और इसमें मेरा बॉयफ्रेंड रवि भी मेरे साथ शामिल था। इसने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने रवि को मार दिया। हवा में जब सोनाली ने मेरी चीख सुनी तो उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे दो आदमी चिल्लाने लगे। सोनाली भागकर उन दो आदमियों के पास गई तो उसे मेरी लाश मिली, यानी कि रवि की लाश। उसके बाद मैंने पायल को मारने की कोशिश की लेकिन ये बच गई। अब तुम्हारी कहानी सुनाइए पायल जी। सर जब आपने मुझे वो दो आदमियों के स्केच दिखाए थे मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैंने रवि को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं समझ गई कि जिस प्लान में मैं आलोक को फंसाने की कोशिश कर रही थी उसने मुझे ही उस प्लान में फंसा दिया। और तुम्हें मालूम था कि आलोक यहाँ फार्म हाउस में छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ आ गए उसको मारने के लिए। एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हो, उसमें एक आदमी की जान भी लेते हो। वाह रे वाह, कमाल की जोड़ी है पति पत्नी की, कमाल की जोड़ी है। तुम्हारे जुर्म के लिए तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।